रावदेव प्रताप सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, कैबिनेट मंत्री हैं। बड़े ऐतिहासिक क्षण है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। मुझे लगता है मेरे जीवन का ये स्वर्णिम दिन है आज। इससे श्रेष्ठ दिन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे सार्वजनिक जीवन में, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सही मानों में विकास, समर्पण और राष्ट्रवाद की आधारशिला इस देश में रखी है, आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं तो हृदय की अनंत गहराइयों से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पूर्व के 10 वर्षों की तरह ये कार्यकाल भी उनका यशस्वी हो और पूरी दुनिया में भारत की जो सामर्थ्य और शक्ति स्थापित करने का उन्होंने काम किया है वो और उसको बल मिले और हमारा देश और आगे बढ़े। अभी तक मध्य प्रदेश के 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की सूचना है। मैं तो पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश का होने के नाते हम सबके लिए गौरव के बात, जितना अधिक प्रतिनिधित्व हमको मिलेगा हमारे लिए उतनी खुशी और एक विकास में सहयोगी साबित होगा। तो ये थे रावदेव प्रताप सिंह जी, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का होने के नाते सारे मंत्रिमंडल को और हाँ उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा क्षण है जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेते हुए देखेंगे और भारत के विकास के लिए जिस तरीके से उनके बीते 10 वर्ष रहे हैं आगे भी उनके ऐसे ही सतत चलते रहें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, स्थानीय।